गौरव गाथा में आपका स्वागत है। आज हम लोग आजादी की लड़ाई के एक ऐसे सपूत की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में कभी भी किसी से पूछिए कि हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल के मेरे ख्याल में पहले 10 नाम अगर लिए जाएंगे तो उसमें खान अब्दुल गफार खान का नाम जरूर आएगा। लेकिन यह भी एक विचित्र संयोग है कि खान अब्दुल गफार खान ने भारत की आजादी के साथ जो उनका नाम आता हो लगता है कि वो हमारे हिस्से थे, वो मूल रूप से पश्तून थे और जो उनकी सारी लड़ाई थी वो उन्होंने पश्तून को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए थी। तो ये कह सकते हैं कि जैसे उनकी और भारत की आजादी की लड़ाई एक दूसरे में इतनी मिल गई थी कि वो दोनों को अलग करना मुश्किल है। खान अब्दुल गफार खान, ये सब हिस्ट्री है लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 6 फरवरी 1890 में पेशावर के उत्तमजई जो पश्तूनी इलाका है वहां पे इनका जन्म हुआ था। पठान थे मूल रूप से, सब मार्शल रेस होती हैं जो वायलेंस जिनका मतलब जिनका धर्म है। जैसे किसी ने अगर कोई आपके खानदान का कुछ किया तो उसके अगेंस्ट बदला लेना ही लेना है। ऐसे समय में खान अब्दुल गफार खान ने एक इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने ईश्वर, स्पिरिचुअलिज्म, गांधी का सत्यता, अहिंसा, इन सब से बातचीत करके एक नई राह दिखाई थी अपने लोगों को। जो पश्तून, जो अफगान के वो लोग जो बाई नेचर बहुत मार्शल, मारकाट, इसमें विश्वास रखते हैं, उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और उनके साथ लोग जुटे भी थे। खान अब्दुल गफार खान का को आज हम लोग इसलिए नमन कर रहे हैं कि अभी 20 जनवरी 1988 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो 20 जनवरी चूंकि उनकी पुण्यतिथि है इसी रेफरेंस में उनके आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। खान अब्दुल गफार खान के बहुत से नाम हैं। उनको जो अफगानिस्तान के लोग फक्र अफगान, मतलब जिसको नाज अफगान पे, इस नाम से बुलाते थे। पहले उनको वहां के लोग बच्चा खान के नाम से बुलाए, फिर चूंकि उस पूरी ट्राइब को एक तरह से उन्होंने संगठित किया था तो वहां के लोग उनको प्रेम से बादशाह खान भी बुलाते थे। गांधी उनको देवता पुरुष बोलते थे और एक जो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र थे, उनके साथ जीवन पर्यंत रहे, पंडित अमीर चंद्र बोनवाल, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि लोगों के नाम हिस्ट्री में नहीं आते हैं ठीक से, जो पेशावर बेस थे, कांग्रेसी थे, जर्नलिस्ट थे, वो उस फ्रीडम स्ट्रगल में पूरे टाइम इनके साथ रहे और उन्होंने ही इनका नाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी रखा था। बादशाह खान का जो पश्तून पठान थे, इनका मूल रूप से इनिशियली इन्होंने पढ़ाई अपनी पेशावर में पूरी की 10वीं 8वीं तक की, हालांकि बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी एलुमनाई है, वहां से भी कुछ पढ़ाई की, लेकिन फिर ये इनके साथ इनके बरनी काका कहे जाते थे, उनके इन्फ्लुएंस में आए और इन्होंने स्वयं हिंदुस्तान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ को स्वयं लिख के फॉर्म में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की थी और इनका कॉर्प्स गाइड में सिलेक्शन भी हो गया था। इसी दौरान ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने किसी दोस्त के पास ये गए जो फौज में भर्ती में था और उसके पश्तून और पठान होने के बाद भी उसको फौज में अंग्रेज अफसर सेकेंड रेटेड सिटीजन के तौर पर व्यवहार कर रहे थे, जिससे इनको बहुत धक्का लगा और इनको लगा कि नहीं, ये बात तो मैं निभा नहीं पाऊंगा। अब चूंकि ये ऑलरेडी अपने को कमिट कर चुके थे तो इनके बड़े भाई जो डॉक्टर खान हैं, जो लंदन में उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, ये वही डॉक्टर खान हैं जो बाद में 1937 से 1947 तक पश्तून वाले इलाके जो है उस प्रांत के, क्योंकि हिंदुस्तान एक था, वहां के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे 10 साल। इनको कह सुन करके और चूंकि थोड़े इन्फ्लुएंशियल थे, ये उसमें से किसी तरह से अपने को बाहर निकाल पाए कि ये फौज नहीं ज्वाइन करेंगे। बाद में इनका मन स्पिरिचुअलिज्म और इसमें चला गया था। 1910 में इन्होंने अपने गांव में एक मदरसा खोला और उस मदरसे में इस्लामिक टीचिंग और इन सबको जो शिक्षा होती है उसके वो सब पढ़ाने लिखाने लगे। हालांकि मदरसा बाद में अंग्रेजों ने 1915-16 में कभी बंद करा दिया था
और ये अपने तरीके से अपने लोगों का जो जो समस्याएं थी उसको अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे उसकी उनकी बेहतरी के लिए। और उसके बाद उनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट आता है, ये 1928 से पहले भी हिंदुस्तान आए, मतलब गांधी जी के संपर्क में आए, 1928 में कलकत्ता कांग्रेस में ये थे। गांधी जी से ये बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी से ही प्रभावित होके नवंबर 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार, जिसको रेड शर्ट या सुर्ख रंग वाले, मतलब जो रेड शर्ट पहनते थे, खुदाई खिदमतगार की एक संगठन बनाया जिसमें ऐसा अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा पठान उसमें रिक्रूट हुए थे। और ये जो संगठन का मूल जो भावना थी, वो गांधी का जो बेसिक आदर्श था, अहिंसा और असहयोग, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट जो इनका विरोध था वो अहिंसा और असहयोग पे आधारित थी इनका आंदोलन था। इनके जीवन के एक दो किस्से इसलिए मैं बयां कर दे रहा हूं कि वो हिस्ट्री में है लेकिन शायद बहुत साफ तौर पे नहीं आते हैं। एक वो है कि जब नमक आंदोलन गांधी जी ने 1930 में किया तो ये उसमें भी इन्वॉल्व हो गए थे और ये जेल चले गए थे। उनके जेल जाने के विरोध में 23 अप्रैल 1930 में किस्सा खानी जो जगह है पेशावर में, वहां पे काफी लोग इकट्ठे हुए थे उस प्रोटेस्ट करने के लिए, और वहां पे ब्रिटिश हुकूमत ने मशीन गन से निहत्थे लोगों के ऊपर करीब गोली चलाई थी, जो 200 से 250 लोग मारे गए थे। उस समय एक आदमी का जिक्र मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि अदरवाइज हिस्ट्री में उसका नाम नहीं लिया जाता है। वहां पे जो गढ़वाल राइफल्स थी उसके जो हेड थे चंद्र सिंह गढ़वाली, जो उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर जो खुदाई खिदमतगार थे गोली चलाने से मना कर दिया था। और अंग्रेजी हुकूमत इससे गुस्सा होकर के उनके ऊपर और उनके साथियों के ऊपर कोर्ट मार्शल किया था और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला था। मैं चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हिस्ट्री में जल्दी इनको नहीं याद किया जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक अंग्रेजी हुकूमत के समय में एक अंग्रेजी आर्मी का अफसर अगर इस तरह का कर रहा था तो वो भी उसने भी किसी दूसरे जो जिनके नाम बहुत हैं उन देशभक्तों से कम काम नहीं किया था। 1931 में एक टर्निंग पॉइंट इनके जीवन का आया था जब इनको कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप कहा गया था कि आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाइए। और ये मैं आप लोगों से इसलिए समझाने की कर रहा हूं, ये कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार का रास्ता एक था लेकिन डिस्टिंक्शन इनका था कि भाई कांग्रेस किस लिए लड़ रही है और खुदाई खिदमतगार किस लिए लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के सारी नीति मानते थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी रहे 1939 तक शुरू में, फिर जो उस समय का वॉर काउंसिल थी उसको लेके इनका कुछ समस्या थी, 1939 में इन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से बाहर आए फिर गए, लेकिन ये कभी कांग्रेस के फॉरवर्ड प्रेसिडेंट बनने से इन्होंने इनकार किया क्योंकि इनका कहना था कि खुदाई खिदमतगार का एक बेसिक लक्ष्य था अपने अपनी जगह को खाली वो कराना। और जब देश के आजाद हो रहा था तो ये बंटवारे के बहुत सख्त खिलाफ थे क्योंकि जो बंटवारा उस समय हो रहा था वो दो टू नेशन थ्योरी के उस पर हो रहा था। और इनका एक बयान बार बार हम लोगों के यहाँ आता है जब इन्होंने ऐसा कहा है गया है कि जब 1947 में ये हो गया कि अब दो राष्ट्र बनेंगे तो इन्होंने कांग्रेस के लोगों से ये कहा कि आप लोगों ने हम लोगों को भेड़ियों के सामने फेंक दिया है, और ये रेफरेंस बार बार पाकिस्तान के लिए कहा जाता है और हम लोग हिस्ट्री में उसको इस तरह से करते हैं कि वो पाकिस्तान भेड़िए थे। और मुझे ऐसा लगता है वो एक एक्सप्रेशन था क्योंकि बहुत से लोग इसमें भाई उनके अपने लोग इसमें संतुष्ट नहीं थे क्योंकि जून 1947 में इन लोगों ने एक जरगा जो बोलते हैं, इन लोगों ने अपनी एक बैठक की थी जहां पे अफगानिस्तान और पेशावर के पास, और वहां पे इन लोगों ने तय किया था कि भाई एक पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग से मुल्क बनाया जाए, लेकिन चूंकि आजादी अब 6-7 हफ्ते बाद थी अंग्रेजों ने उसको माना नहीं और इनका विलय इनकी एरिया का पाकिस्तान में ही कर दिया था। ये ग्राउंड रियलिटी समझते थे चूंकि इनका दिल एक अखंड भारत का पार्ट मानते थे अपने को, लेकिन चूंकि वो नहीं हुआ तो 1948 में फरवरी में ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी के हिस्सा बने थे।
बाद में चूंकि पाकिस्तान की अपनी वो थी, वो एक वन प्रोविंस की बात करने लगे थे, वो एक लंबा है कि वेस्टर्न पाकिस्तान को एक स्टेट बनाने के चक्कर में उस समय के कुछ लोग थे जो नेतृत्व था जो उसके अगेंस्ट थे। और 48 से 1970 तक, मतलब 68 69 तक का इनका ज्यादा समय जेल में ही बीता है कुछ कुछ विरोध को लेके। एक इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं इसलिए क्योंकि हम लोगों को जो याद है, मैं बच्चा था, मुझे अभी भी मतलब ठीक से डिस्टिंक्टली मैं याद कर रहा हूँ, वो पोटली लेके आए थे 69 में, गांधी जी के 100 साल, गांधी के जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनको खुद इनवाइट करने गई थी, और उनके इन्विटेशन गांधी पीस फाउंडेशन की तरफ से हुआ था, गांधी शांति पर, और ये हिंदुस्तान आए थे उस गांधी जन्म शताब्दी के लिए, यहाँ 2-3 महीना और 4 महीना रहे थे। वो एक पिक्चर बार बार दिखाई जाती है जब जेपी और इंदिरा गांधी इनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए हैं, और वो एक जुमला भी बात लोगों को याद है कि जब इनकी गठरी ये लेके उतरे और हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो रिसीव करने गई थी, इन्होंने बढ़ के उस गठरी को कि भाई आप क्यों उठाएंगे, तो वो एक चीज बहुत इमोशनल लोग उसको कहते हैं, उसने कहा, उन्होंने ये कहा था कि अब यही बचा है, इसको भी ले लोगी क्या। वो उनका, लोग ये कहते हैं उनका एक दर्द था कि देश का बंटवारा हो गया था, और वो एक टेक्निकली जिस देश को वो अपना मानते थे, एक अखंड भारत को, उसमें आज वो एक दूसरे गैर मुल्क से मेहमान के तौर पर आए थे, ये उनका दर्द था। हिंदुस्तान में एक चीज हम जब तक, क्योंकि अभी वो जनरेशन पुरानी जिंदा थी जिसके साथ बादशाह खान ने काम किया था, ये उस विजिट में पवनार आश्रम भी गए थे विनोबा भावे से मिलने, इनके लंबे लंबे वो हैं, इनका बहुत मान सम्मान किया गया था, इनको कई पुरस्कार दिए गए थे उस समय जो वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे, इनका एक नागरिक अभिनंदन भी रामलीला मैदान में हुआ था, और इनके इन्होंने सब जगह भाषण दिए थे, और सब जगह इन्होंने एक ही बात कही थी, भाईचारे की, एक साथ रहने की, और इस तरह की। बादशाह खान पे आगे हम लोग कभी एक लंबी सीरीज करेंगे, क्योंकि उनकी एक खुदाई खिदमतगार इटसेल्फ एक अपनी फिलॉसफी है, सिर्फ लाइफस्टाइल ही की नहीं है, असहयोग की, सत्य की, अहिंसा की। इनका इनकी जब मृत्यु हुई थी 20 जनवरी 1988 में, उस समय अफगानिस्तान और रशिया का जो युद्ध था वो चरम सीमा पे था, और इनकी पेशावर में पाकिस्तान वाले हिस्से में डेथ हुई थी। इनकी अंतिम इच्छा ये थी कि इनका जो इनको दफनाया जाए वो अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया जाए, और उनकी अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए पेशावर से वो शव यात्रा चली थी जो खैबर पास, खैबर दर्रा जो है उसको पार के करके जलालाबाद, मतलब अफगानिस्तान के हिस्से में गई थी। और उस समय ये जो संघर्ष था, मतलब कम्युनिस्ट रशियंस और मुजाहिदीन अफगानियों के बीच जो चरम सीमा पे था, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उस दिन उसको भी रोका गया था, एक तरह से सीज फायर हुआ था, और पूरा वो हिस्सा ही नहीं, पूरा मुल्क, और खास करके ये 2-4 मुल्क जहां पे बादशाह खान थे वो रोया था उस दिन, और उनके इनको फिर जलालाबाद में ही इनको दफनाया गया था। बात को समाप्त करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देश में इस तरह के लोग जो, मतलब टेक्निकल टर्म्स में विदेशी हैं, उसमें एक मदर टेरेसा आती हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना घर बना लिया और हिंदुस्तान ही क्यों के रह गए। मुझे बादशाह खान एक ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो दूसरे देश के होने के बाद भी, लेकिन मन मानस में आज भी जैसे हम लोग उनको भारतीय और मतलब अपने ही देश का एक हिस्सा मानते हैं, तो ये उस आदमी का एक कहीं ना कहीं उस स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिला के इस देश की आजादी के लिए लड़े थे। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने कर्म में पूरी तरह से ईमानदार थे तो शायद आज ये जो इलाका है उनको अपना बादशाह खान और अपना श्रीमान गांधी कहने में फख्र महसूस करता है। धन्यवाद।